थ्री बिग डिसीजंस ऑफ माई लाइफ। आई नो इन तीनों डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी और एफर्ट्स मुझे लगानी होंगी, थोड़ा सा सुबह और जल्दी उठना होगा और अपने आप को रेडी करना होगा और ज़्यादा मेहनत के लिए, बट दिस वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट था ये। आई वॉज रीडिंग थ्रू माई मेल्स, मैं आप लोगों के मेल्स पढ़ रही थी, सारी चीज़ें पढ़ रही थी, तो मेरा डिसीजन वन जो आज मैंने पहला डिसीजन लिया है वो उसी से इंस्पायर्ड है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम हमें वोकैबलरी में दिक्कत हो रही है, मैम हमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में दिक्कत हो रही है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस, मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ एडिटोरियल सेशन में जो आपकी वोकैबलरी होती है उसमें वर्ड, उसका सिनोनिम्स सारे के सारे, उसके सारे एंटोनिम्स, उस वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस भी, जिससे कि वो वर्ड आपको और बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाए। दूसरी चीज़ इसी में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, जो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ अब उसका आंसर भी मैं आपको दूंगी, मैं खुद उस क्वेश्चन को आंसर करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि सही किस तरीके से किसी भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर देते हैं, कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कैसे बॉडी लिखते हैं और कैसे कंक्लूजन देते हैं। डिसीजन नंबर टू, वोकैबलरी के लिए मैंने आप लोगों के लिए वोकैब शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है और मैं हर रोज़ एक मिनट के अंदर आपको 10 वर्ड्स का मीनिंग खुद याद करवाऊंगी, रूट वर्ड की हेल्प से, पिक्चर्स की हेल्प से, इमोशंस की हेल्प से, स्टोरीज की हेल्प से, इस तरीके से रोज़ एक मिनट में मैं आपको 10 वर्ड्स याद करवाऊंगी। डिसीजन नंबर थ्री, मैं रोज़ एक स्टूडेंट से फ़ोन पर बात करूँगी, समझने की कोशिश करूंगी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, अपना सोल्यूशन ज़रूर दूंगी और चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम लोग, और रेगुलरली एवरी डे आई टॉक टू वन स्टूडेंट ओवर फोन। मुश्किल था ये तीनों डिसीजंस लेना क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत थी, डेफिनेटली एडिटोरियल परफेक्शन इन सब चीज़ों में ही पूरा टाइम निकल जाता है, बट I am happy that I finally took these decisions और आपको ये सारी की सारी चीज़ें कल से ही implemented मिलेंगी।